आप जिस भाव से उस संस्था से जुड़े हुए हैं, श्रद्धेय स्वामी जी की जो आपके आपकी जो भावना है श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति, तो हमारा यही भाव रहता है कि किसी भी रूप में वहाँ से हम क्या कर सकते हैं हम करें। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया और आज भी पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, पतंजलि सेवाश्रम के माध्यम से 100 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर पूरी शिक्षा पा रहे हैं, आवास भोजन की सारी व्यवस्थाएं की। जब हम फिर दोबारा वहाँ पर पहुँचे 29 तारीख को, मैंने देखा कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, बड़ी भयानक स्थिति है। तत्क्षण हमने वहाँ पर एक पूरे बड़े होटल को लीज पर लेकर के, क्योंकि तुरंत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि एकदम तुरंत कहीं व्यवस्था की जाए, हमने होटल को लीज पर लेकर के वहीं पर इस सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया और देशवासियों ने भी भरपूर सहयोग दिया। मैं समझता हूँ कि शायद जो गैर सरकारी संस्थान के अंदर सबसे ज्यादा यदि सहयोग राशि किसी ने दान दी, किसी संस्था को प्राप्त हुई, तो वह भी पतंजलि योगपीठ है, क्योंकि आप सहयोग करते हैं, हम तो सेवा करने का प्रयास करते हैं। एक बात को मैं सविनम्र कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस बात को पूरे ऐतिहासिक रूप में आप देखिए, जो भी आंदोलन करने वाले लोग होते हैं कभी वो संस्था नहीं चलाया करते हैं, यहाँ सेवा के सभी प्रकल्प चलते हैं। देश के अंदर जितने भी तरह के सेवा हो सकते हैं, विश्वविद्यालय से लेकर के आयुर्वेद महाविद्यालय से लेकर के विद्यालय से लेकर के औषधि निर्माण से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के प्रकाशन से लेकर के सभी तरह की सेवा की गतिविधियां चलती हैं, और उन गतिविधियों के लिए सारी NOC गवर्नमेंट देती है। एक फैक्ट्री चलाने के लिए 40 NOC लेनी पड़ती है, 40 सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद में भी हम उसी सरकार के साथ लोहा ले रहे हैं, एक दो दिन से नहीं अपितु पूरे 3-4 वर्षों से। तो निश्चित रूप से वह शक्ति है संत की, तप की शक्ति है, वह शक्ति सत्य की शक्ति है। सत्य के द्वारा, तप के द्वारा, अहिंसा के द्वारा हम अपने इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए पूरे देश के लोग आज करोड़ों करोड़ों की संख्या में श्रद्धेय स्वामी जी के उस मिशन से, अभियान से जुड़े हुए हैं। पता नहीं न जाने आज तक कितने षड्यंत्र हुए हैं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसी तरह से इन दुष्टों की सारे मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं। जब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा, हम भी चुप नहीं रहने वाले हैं। आज हम सबको खड़ा होने की आवश्यकता है, हमें हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है, हमें को असंवैधानिक और कोई गैर संवैधानिक कार्य को भी नहीं करना है। संविधान के तहत जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे लिए हमारी जो शक्ति है, उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए पूरे विरोचित ढंग से हम देश की रक्षा करेंगे, देश को बचाएंगे। यदि देश हमारा है तो हमें बचाना होगा, यदि समस्या हमारी है तो हमें आगे आकर के खड़ा होना होगा, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आएगा हमारे को बचाने के लिए। कहीं UK USA से और दूसरे कंट्री से लोग आकर के हमारी रक्षा नहीं करने वाले, यदि वो आते भी हैं, विदेशी सत्ताएं, विदेशी शक्तियां हमें बाजार के रूप में देखती हैं, उनके अंदर हमारे लिए ना कोई संवेदनाएं हैं, ना कोई भावनाएं हैं, ना हमारे लोगों को लेकर के उनके मन में कोई पीड़ा है, तो इन जिम्मेदारियों का भी हमें निर्वहन करना है। हम सब कुछ होने से पहले मानव हैं, मानव मिलन की संस्थान के इस आयोजन में मैं यही कहना चाहता हूँ, हम सारे भेदों को, सारे विभेद मिटा करके, सारी दूरियों को समाप्त करके राष्ट्रवाद के बैनर तले एक बार एक हो जाएं, तो हमारी धर्म की भी रक्षा होगी, हमारी भी रक्षा होगी, हम भी बचेंगे, देश भी बचेगा। यदि हम अलग अलग टुकड़ों में बच गए, न धर्म बचेगा न देश बचेगा, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा बचाने के लिए। तो आइए धर्म की रक्षा के लिए भी हम देश की रक्षा के लिए आगे आएं, राष्ट्रवाद के शंखनाद के साथ हम आगे बढ़ें, और जो जिम्मेदारियां, जो भावनाएं आप सबने हमारे प्रति व्यक्त की है, सविनम्र उसको निर्वहन करने का हम सतत प्रयास करते रहेंगे। अंतिम सांस तक उसको हम कहीं भी आपके विश्वास को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने देंगे, यह हमारा वादा है। और श्रद्धेय स्वामी जी अभी पूरी तरह से राष्ट्र के इस अभियान में पूरे देश में भ्रमण पर हैं, और आज आप भी, आप सबके बीच में आना हुआ। पुनः श्रद्धेय मुनि चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और आप सबका भी मैं वंदन करता हूँ।
हमारे भाव को, संवेदनाओं को, कार्यों को आप समझते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस भावना में, उस कार्य में, उस संवेदना में आपको पूरी तरह से लगना है, कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि आने वाला समय हमें कायर, बुजदिर और कमजोर के रूप में याद न करे, अभी तो क्रांतिकारी, बलिदानी और राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले लोगों के रूप में याद करें। इसीलिए हमको कार्य करना है। पुनः आप सबको वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।